राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजीबी के सक्सेना के बीच वैसे तो विवादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन इन दिनों उसमें एक और बड़ा विवाद जुड़ गया है। जी हाँ, हम अरविंद केजरीवाल सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार में ठनी हुई है। एक तरफ दिल्ली के एलजी बिजली सब्सिडी स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन मुफ्त बिजली पाने के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते साल केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली देने के लिए सितंबर में रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक और आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है ये जान लीजिए। बता दें कि मुफ्त बिजली के रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली सरकार ने 7011311111 नंबर जारी किया है। आप इस नंबर पर मिस कॉल या फिर हाई लिखकर भेजें। इसके तुरंत बाद एक SMS आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करने पर आपके WhatsApp पर एक फॉर्म खुल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरकर भेज दें और आप सब्सिडी लेने की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जिनके मोबाइल नंबर बिजली के बिल के साथ पंजीकृत है, उनको दिल्ली सरकार भी मैसेज भेजेगी। आवेदन के 3 दिन बाद SMS या ईमेल से सूचना दी जाएगी कि आपकी सब्सिडी जारी है। आपको बता दें कि मुफ्त बिजली की सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी महीने जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग का ये भी कहना है कि साल 2022 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिन लोगों ने सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन्हें आसान प्रक्रिया के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। तो वहीं बात की जाए दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुफ्त योजना के बारे में, तो आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में सभी निवासियों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री देती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट लिया जाता है। दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, इसमें 47 लाख बिजली उपभोक्ता को सब्सिडी मिलती है। वहीं इन 47 लाख उपभोक्ताओं में से 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं, जबकि 16 से 17 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के बिल आधे आते हैं। तो कुल मिलाकर बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रहे झगड़े के बीच केजरीवाल सरकार का मुफ्त बिजली जारी रखने का ऐलान जरूर राहत देने वाला है, जिसके लिए केजरीवाल सरकार सब्सिडी रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक तौर पर घोषणा भी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।